आज मैंने सोचा कि चलो एक नए स्टाइल का स्पेशल पुलाव बनाते हैं। तो ये लाजवाब पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप बासमती चावल लिया है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो बासमती चावल को आपको अच्छे से पानी से धोना है। पानी डाल के चावल को धोइए। 3 से 4 बार अच्छे से चावल को धोने के बाद इसे दुगना पानी में आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। आप गैस ऑन करके एक कुकर चढ़ा के इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसमें 4 आलू को डाल देंगे। आलू को हमें उबालना है तो कुकर के लीड लगाकर मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी आने तक छोड़ते हैं। जब तक हमारा आलू उबल रहा है उस दौरान हम थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप कर लेते हैं। आप सोचेंगे कि पुलाव में धनिया पत्ता क्यों? बताती हूँ फ्रेंड्स, बस देखते रहिए। ये देखिए पुलाव के लिए मैंने सारी तैयारी कर लिया है। मसाले रेडी है। यहाँ पे 3 हरी मिर्च को स्लिट कर लेते हैं, पर आप अपने हिसाब से मिर्च को ऐड कर सकते हैं। पुलाव अगर स्पाइसी बनिए तो खाने में बहुत मजा आता है। तो अब चलिए अदरक को ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 इंच टोटल अदरक लिया है। तो अदरक को मैंने घिस लिया है और ये देखिए इधर कुकर में 5 सीटी आ गया है। आप गैस बंद कर देते हैं। दूसरे गैस पर आलू के बॉल्स को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। इधर कुकर के प्रेशर को निकाल के कुकर को खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू हमारा उबल गए हैं। अब इनको छील के तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, एकदम नए स्टाइल का पुलाव है और ये खाने में बने हैं एकदम लाजवाब। आलू को छील के एक मिक्सिंग बोल में आलू को मैश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्म है तो सावधानी से कीजिए। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ग्रेटेड अदरक और कुछ मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बढ़िया कलर के लिए, 1/2 टीस्पून चाट मसाला बॉल्स को चटपटा बनाने के लिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए। अब झटपट सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एक डो जैसे बना लीजिए। आप चाहे तो आलू को पहले उबाल के फिर ठंडा करके ये मिश्रण को बना सकते हैं। अब ये आलू का मिश्रण से छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेकर ऐसे गोल कर लीजिए। पुलाव में डालेंगे तो बॉल्स का साइज छोटा रखना है। आप ऐसे स्नैक भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ। बहुत टेस्टी है खाने में। फ्रेंड्स, देखिए इतने बॉल्स तैयार कर लिया है और बाकी मिक्सचर से आलू टिक्की बनाऊंगी। मेरी बेटी को आलू टिक्की चाट बहुत पसंद है। आलू टिक्की चाट की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब चलिए बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। इधर तेल को हम चेक कर लेंगे। तेल में थोड़ा सा मिश्रण डाल दीजिए और आप देख सकते हैं ये तैर कर ऊपर आ रहा है, मतलब तेल हमारा एकदम रेडी है। तो आप एक एक करके 7-8 बॉल्स एक साथ मैं तेल में छोड़ दूंगी और बॉल्स को मैं गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन बॉल्स को फ्राई करना है। फ्रेंड्स, ऐसे स्नैक ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में, और आप अपने बच्चों के टिफ़िन में इसे दे सकते हैं, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। एज एन इवनिंग स्नैक चाय के साथ आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और आप देख सकते हो इन बॉल्स को मैंने एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है और ये बहुत क्रिस्पी भी बने हैं। बॉल्स को एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस तरह से बाकी बैचेस को भी फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इन बॉल्स को हम पुलाव में डालेंगे और आज का जो पुलाव है बहुत स्पेशल पुलाव है। एकदम नए तरीके से पुलाव को हम बनाएंगे। इन बॉल्स को डालने के बाद पुलाव का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया होगा, तो देखते रहिए। और ये मैंने पुलाव के लिए मसाले वगैरह तैयार कर लिया है। इस पुलाव को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ मसाले का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पुलाव के लिए एक खास मसाला तैयार करेंगे। एक पैन में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ मैंने लिया है 3 छोटी इलायची, 3-4 साबुत काली मिर्च, थोड़ा सा जावित्री, 2-3 लौंग, एकदम थोड़ा सा जायफल और 1/2 टीस्पून सौंफ। मसाले को हमें 1 मिनट चलाते हुए भून लेना है।
एक मिनट बाद जब मसाले से बढ़िया खुशबू आने लगे तब गैस बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा कर लेंगे। अब पुलाव बनाने के लिए एक कढ़ाई लिया है और इसमें एक टेबलस्पून तेल और एक टेबलस्पून घी डाल देंगे। आप सिर्फ तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से पुलाव का स्वाद एकदम माइंड ब्लोइंग बनते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें थोड़ा खड़े गरम मसाला डाल देंगे। यहाँ मैंने लिया है 3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री, 3-4 साबुत काले मिर्च, 2 तेज़पत्ता लिया है। तो मसाले को लो मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट भून लेना है। जब मसालों से बढ़िया खुशबू आ जाए तब इसमें 1 टीस्पून घिसा हुआ अदरक डाल देना है और अदरक को मसालों के साथ कुछ सेकेंड स्टर कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश डाल के इन्हें लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। काजू किशमिश डालने से पुलाव का स्वाद बहुत ही बढ़ जाते हैं, पर आप चाहे तो काजू किशमिश को स्किप भी कर सकते हैं। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं काजू और किशमिश का कलर लाइट गोल्डन आ चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं बढ़िया कलर के लिए। आप चाहे तो ये पुलाव को सफ़ेद बना सकते हैं। बढ़िया कलर के लिए यहाँ मैंने हल्दी डाला है, पर आप चाहे तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। हल्दी को बस 5 से 10 सेकेंड्स मसालों के साथ भून के अब हम इसमें डाल देते हैं सोक किए हुए चावल को। तो अब हम चावलों को मसालों के साथ 2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, पुलाव आपका एकदम खिला खिला बनेगा। चावल के हर एक दाना अलग अलग दिखेगा। ये छोटे छोटे टिप्स अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 2 मिनट चावल को भून के अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। तो जितना आपने चावल लिया था उसके दुगना आपको पानी लेना है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है दोस्तों। पानी डालने के बाद अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। उसी के साथ 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और डाल देते हैं 3 स्लिट किए हुए हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे सभी को। तो अभी हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमारा मसाले ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर 8 मिनट पकाने के बाद ढक्कन को खोलेंगे और अब गैस को एकदम लो पे कर दीजिए। अब इसमें जो स्पेशल गरम मसाला पीस लिया है ना उसे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी यहाँ पे सारे आलू के बॉल्स रख देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहे हैं। हल्का सा घी इसमें चाहे तो डाल सकते हैं और डाल देंगे 1/2 टीस्पून गुलाब जल। इस स्टेज पर आप चाहे तो यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। गुलाब जल एक बढ़िया एरोमेटिक फ्लेवर देगा पुलाव में, जिससे ये शाही पुलाव बन जाएगा। तो हल्का सा मिक्स करके ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर और 5 मिनट पकने दीजिए। लो फ्लेम पर और 5 मिनट पकाने के बाद आप गैस बंद कर देंगे और इसे दम पे 10 मिनट पका लेंगे, मतलब इसे इसके भाप में पकाना है। तो 10 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही बढ़िया लाजवाब नए स्टाइल का पुलाव परफेक्टली पक गया है। चावल एकदम खिला खिला है और नीचे एक बूंद भी पानी नहीं है। फ्रेंड्स, इस पुलाव को बनाना बहुत आसान है और इसे आप यूँ ही खा सकते हैं। इसे खाने के लिए आपको कुछ भी और लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही काफ़ी है। बहुत ही लाजवाब बने हैं ये खाने में, सच में दोस्तों। आप इसे ट्राई करना एकदम ना भूलिएगा। आपको पसंद आए वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।